आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी ट्रिक्स में। आज हम देखने वाले हैं पैट 2022 के लिए हिस्ट्री की महारिवीजन क्लास, जिसमें हम हिस्ट्री के सभी क्वेश्चंस कवर करेंगे और इन्हें हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में देखेंगे। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर एक, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? तो गाइज आपको बताना है, हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है लोथल, उसकी खोज किसने की थी? तो गाइज इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एस आर राव। ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें लोथल की, तो लोथल क्या है? एक मानव निर्मित बंदरगाह है। अब हम लोथल से बनने वाले जितने भी फैक्ट होंगे सब कवर करेंगे। लोथल क्या है? एक मानव निर्मित बंदरगाह है। बात किसकी कर रहे हैं हम? सिंधु घाटी सभ्यता की। अगर हम बात करें कैसा नगर था लोथल, तो लोथल क्या था? एक व्यापारिक नगर था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक नगर कॉमर्शियल सिटी कौन सा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोथल। बात करें अगर हम आटा पीसने की चक्की के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आटा पीसने की चक्की के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से। शतरंज का खेल कहाँ से प्राप्त हुआ है? शतरंज का खेल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल से। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। बात करें अगर हम इनकी नगरीय व्यवस्था की, तो इनके घर के दरवाजे किस ओर खुलते थे? बाहर की ओर। ये आपको याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल लोथल, वहाँ पर दरवाजे किस ओर खुलते थे? बाहर की ओर। तो कौन कौन से पॉइंट हो जाएंगे हमारे? लोथल, लोथल की खोज किसने की है? एस आर राव के द्वारा। लोथल किस प्रकार का बंदरगाह था? मानव निर्मित बंदरगाह था। सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? लोथल। लोथल एक कैसा नगर था? व्यापारिक नगर। ये आपको याद रखना है। आटा पीसने की चक्की के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल से। शतरंज का खेल कहाँ से मिला है? लोथल से। और बात करें इनकी नगरीय व्यवस्था की, तो किस तरह की नगरीय व्यवस्था थी यहाँ? दरवाजे जो होते हुए किस ओर खुलते थे? बाहर की ओर। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दो, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, पसंदीदा शहर। ऑप्शन बी, माउंट ऑफ द डेड। ऑप्शन सी, रहने की जगह। ऑप्शन डी, एक बाजार क्षेत्र। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माउंट ऑफ द डेड। आइए अब हम डिस्कस करते हैं मोहनजोदड़ो से बनने वाले जितने भी फैक्ट होंगे उन्हें हम देख लेते हैं एक बार कि कौन कौन से क्वेश्चन मोहनजोदड़ो से बन सकते हैं। तो बात करें हड़प्पा की जुड़वा राजधानी, हड़प्पा की जुड़वा राजधानी किसे कहा गया है? हड़प्पा की जुड़वा राजधानी किसे कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। और क्या कहा गया है मोहनजोदड़ो को? सिंध का बाग किसे कहा गया है? सिंध का बाग किसे कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात करें अगर हम इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क करना, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? विशाल स्नानागार, इसे ही हम क्या कह सकते हैं? ग्रेट बाथ। सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। बात करें अगर हम विशाल अनागार की, विशाल अनागार, अनागार क्या है? ऐसी जगह जहाँ पर क्या एकत्र किया जाता है? अन्न एकत्र किया जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पर मिला है? मोहनजोदड़ो में। विशाल अनागार के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। अगर बात करें हम इस स्नानागार में सीढ़ियों की संख्या कितनी थी, आयोग की तरफ से क्वेश्चन पूछा गया है, विशाल स्नानागार में सीढ़ियों की संख्या कितनी है? 9। बात करें अगर हम नटराज की मूर्ति के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं,
नटराज की मूर्ति के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। और एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, कांसे से निर्मित नर्तकी की मूर्ति, कांसे से निर्मित नर्तकी की मूर्ति, इसे आप क्या बोल सकते हैं? ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो से कौन कौन से फैक्ट हो जाएंगे हमारे? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की जुड़वा राजधानी मोहनजोदड़ो, सिंध का बाग किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को, विशाल स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता में, विशाल स्नानागार कहाँ पर मिला है? मोहनजोदड़ो में। इसे ही हम क्या बोल सकते हैं? ग्रेट बात। विशाल अनागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। और बात करें अगर हम विशाल स्नानागार में सीढ़ियों की संख्या की, तो सीढ़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9। नटराज की मूर्ति के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। कांसे से निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। इसे ही हम क्या बोलते हैं? ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। तो ये जितने भी मोहनजोदड़ो से बनने वाले क्वेश्चन थे सभी आपके कवर हो जाएंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, उस स्थान का नाम बताइए जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो इसका आंसर बताना है आपको कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण कहां प्राप्त किया? ऑप्शन ए कौशाम्बी, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी बदायूं, ऑप्शन डी चित्रकूट। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुशीनगर। आइए अब देख लेते हैं गौतम बुद्ध से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको गौतम बुद्ध से संबंधित ये 4 घटनाएं हमेशा याद रखनी है। नंबर 1, गृह त्याग की घटना। नंबर 2, ज्ञान प्राप्ति की घटना, गृह त्याग। नंबर 2, ज्ञान प्राप्ति। नंबर 3, प्रथम उपदेश, कि गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया ये आपको पता होना चाहिए। और गौतम बुद्ध की मृत्यु, इन सबको क्या क्या कहा गया है? तो आइए देखते हैं। बात करें अगर गौतम बुद्ध के घर घर के त्याग की, गृह त्याग की, तो यह घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण ये आपको याद रखना है। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। बात करें इनके ज्ञान प्राप्ति की घटना क्या कहलाती है, तो इसको क्या नाम दिया गया है? संबोधि। ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात करें अगर गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश की, तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया है? सारनाथ में। और इस उपदेश को क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। और इसे क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। बात करें इनकी मृत्यु की या इनके परिनिर्वाण की, तो इसे क्या बोला गया है? महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या बोला गया है? महापरिनिर्वाण। और इनकी मृत्यु हुई कहाँ पर है? कुशीनगर में। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण, ज्ञान प्राप्ति की घटना संबोधि, जिस दिन इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उसे क्या बोले जाएगा? संबोधि। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। और इस घटना को क्या बोला जाएगा? धर्म चक्र प्रवर्तन। बात करें अगर गौतम बुद्ध की मृत्यु की, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या बोला जाएगा? महापरिनिर्वाण। और यह कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी मारुत, ऑप्शन सी इंद्र और ऑप्शन डी सावित्री। तो गाइस इसमें बताना है ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र है वह किस देवता को समर्पित है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सावित्री। आइए अब देख लेते हैं
ऋग्वेद से संबंधित जो भी फैक्ट होंगे उन्हें हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बात करें अगर हम सबसे पुराना वेद, सबसे पुराना वेद तो कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद। ऋग्वेद की रचना की बात करें, कब हुई है ऋग्वेद की रचना? पूर्व वैदिक काल में। ये बात आपको याद रखनी है, ऋग्वेद की रचना कब हुई है? पूर्व वैदिक काल में। पूर्व वैदिक काल का समय कब से कब तक हो जाएगा? 1500 BC से 1000 BC तक। तो कौन कौन से पॉइंट हो गए? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, कौन से टाइम पीरियड में लिखा गया? पूर्व वैदिक काल में। समय क्या हो जाएगा इसका? 1500 BC से 1000 BC। बात करें अगर हम ऋग्वेदिक कालीन नदियों के बारे में, ऋग्वेदिक कालीन जो नदियां हैं, नदियों को क्या नाम दिया गया था ऋग्वेद में? तो आपको कुछ नदियों के नाम बताने हैं, इनके ऋग्वेद में क्या नाम है? नंबर एक काबुल, नंबर दो सिंधु, नंबर तीन झेलम, नंबर चार चिनाब या चेनाब कह सकते हैं आप, नंबर पांच गंडक और नंबर छह रावी। तो इनके नाम बताने हैं आपको ऋग्वेद में, इनके क्या क्या नाम दिए गए हैं। बात करें अगर हम काबुल की, तो काबुल का पुराना नाम क्या हो जाएगा? कुंभा, ये आपको याद रखना है। सिंधु का पुराना नाम क्या हो जाएगा? सिंध। झेलम, इसे आप मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क करना, झेलम का पुराना नाम क्या हो जाएगा? बितास्ता। झेलम को ऋग्वेदिक काल में क्या कहा गया है? बितास्ता। चिनाब को आपको इम्पोर्टेंट मार्क करना है, चिनाब को क्या कहा गया है? अस्कनी, ये आपको याद रखना है। चिनाब को ऋग्वेदिक काल में क्या कहा गया है? अस्कनी। गंडक का नाम क्या हो जाएगा? सदानीरा, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और बात करें अगर हम रावी की, तो रावी का नाम हो जाएगा परुश्रणी। तो आइए एक बार देख लेते हैं, ऋग्वेद कैसा वेद हो जाएगा? सबसे पुराना वेद। ऋग्वेद की रचना कब हुई है? पूर्व वैदिक काल में। और पूर्व वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 1500 BC से 1000 BC तक। बात करें अगर हम ऋग्वेदिक कालीन नदियों के नाम की, तो काबुल को उस समय क्या कहा जाता था? कुंभा। सिंधु का नाम क्या था? सिंध। झेलम का नाम क्या था? बितास्ता। चिनाब का नाम था अस्कनी। गंडक का नाम क्या था? सदानीरा। और रावी का नाम था परुश्रणी। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? ऑप्शन ए बंदा योनी, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी अब्बास खां सरवानी, ऑप्शन डी कैफी खां। तो गाइस इसमें आपको बताना है अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अबुल फजल। आइए अब हम बात कर लेते हैं अकबरनामा से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। अकबरनामा की बात करें अगर हम, अकबरनामा कितने भागों में विभक्त है? अकबरनामा को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तीन भागों में, ये बात आपको याद रखनी है। अकबरनामा को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तीन भागों में। और अकबरनामा का जो तीसरा भाग है, अकबरनामा का तीसरा भाग क्या कहलाता है? आईने अकबरी, ये पॉइंट आपको याद रखना है। आयोग की तरफ से ही पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अकबरनामा के तीसरे भाग को क्या नाम दिया गया है? आईने अकबरी। आइए अब हम देखते हैं अकबर से संबंधित कुछ वर्ष हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। 1562, 1563, 1564, 1575, 1578, 1579,
ये आपको याद रखने हैं। और एक और हो जाएगा 1582। आइए अब हम देखते हैं, बात करें अगर ऊपर के ये तीन सन, तो इन्हें याद करने की ट्रिक क्या हो जाएगी आपको याद रखना है, दातीज। क्या ट्रिक हो जाएगी? दातीज। दा से क्या हो जाएगा, 1562 में किसका अंत किया था अकबर ने? दास प्रथा का अंत। अकबर के द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया? 1562 में। 1563 ती से क्या हो जाएगा, तीर्थ यात्रा पर कर कब किसने समाप्त किया? अकबर ने कब समाप्त किया? 1563 में। बात करें 1564 में, इसे आप इम्पोर्टेंट मार्क करना, जजिया कर अकबर के द्वारा कब समाप्त किया गया? 1564 में। बात करें 1575 में, तो 1575 में अकबर ने क्या किया? इबादत खाने का निर्माण कराया। किसका निर्माण कराया? इबादत खाने का निर्माण कराया। बात करें 1578 की, तो 1578 में क्या किया? 1575 में तो इबादत खाने का निर्माण कराया था, 1578 में इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया। इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि सभी धर्मों के लिए अनुमति अकबर ने इबादत खाने में कब दी? 1578 में। बात करें 1579 की, तो 1579 में किसकी घोषणा की? मजहर की घोषणा। 1579 मजहर की घोषणा अकबर के द्वारा की गई। और 1582 में क्या चलाई गई? दहसाला प्रथा। ये आपको याद करना पड़ेगा, दहसाला प्रथा कब चलाई गई अकबर के द्वारा? 1582 में। तो आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बात करें अगर हम अकबर की, तो अकबर ने कौन कौन से, अकबर से संबंधित कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ष हो जाएंगे? 1562 दास प्रथा का अंत, 1563 तीर्थ यात्रा पर कर की समाप्ति, 1564 में क्या किया? जजिया कर समाप्त। याद करने के लिए क्या ट्रिक हो जाएगी हमारी, आपको याद रखना है दातीज, दा से दास प्रथा का अंत, ती से तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त, जय से जजिया कर समाप्त। तो कौन कौन से वर्ष हो जाएंगे हमारे? 1562 63 और 64। बात करें अगर हम 1575 की, तो 1575 में इबादत खाने का निर्माण, 1578 में इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया, 1579 मजहर की घोषणा, और 1582 दहसाला प्रथा शुरुआत। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? ये आपको बताना है कि जहांगीर का शासनकाल का समय क्या था। ऑप्शन ए 1605 से 1627, ऑप्शन बी 1627 से 1658, ऑप्शन सी 1658 से 1707, ऑप्शन डी 1707 से 1748। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1605 से 1627। आइए अब हम देख लेते हैं जहांगीर से बनने वाले कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट, जहांगीर से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बात करें अगर हम अपने शासनकाल में न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी, न्याय की जंजीर किसने लगवाई? जहांगीर ने। बात करें इसकी पत्नी के नाम की, पत्नी का नाम क्या हो जाएगा? नूरजहां। और नूरजहां के पिता का नाम हो जाएगा ग्यास बेग। क्या नाम हो जाएगा? ग्यास बेग। जहांगीर ने अपने शासनकाल में क्या लगवाई? न्याय की जंजीर। पत्नी का नाम इनके नूरजहां, और पिता का नाम क्या हो जाएगा? नूरजहां के पिता का नाम ग्यास बेग। और इसी की याद में नूरजहां ने क्या बनवाया था? एतामुद्दौला का मकबरा। एतामु
दोला का मकबरा, ये आपको याद रखना है। ये किसने बनवाया है? नूरजहां ने। आइए एक बार और देख लेते हैं। जहांगीर की बात करें तो जहांगीर की पत्नी का नाम क्या हो जाएगा? नूरजहां। नूरजहां के पिता का नाम ग्यास बेग, और इस ग्यास बेग को एतामुद्दौला की उपाधि किसके द्वारा दी गई? जहांगीर के द्वारा। और एतामुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया? नूरजहां ने। एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा गया है, जहांगीर के द्वारा किसे मृत्युदंड दिया गया या फांसी की सजा दी गई? तो सिखों के कौन से गुरु को जहांगीर के द्वारा मारा गया था? सिख गुरु को जहांगीर के द्वारा मारा गया था। तो आपको याद रखना है गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव को किसने मारा था? जहांगीर ने। ऐसे ही सिखों के एक और गुरु हुए हैं, गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर को किसके द्वारा मारा गया था? गुरु तेग बहादुर को किसके द्वारा मारा गया था? औरंगजेब के द्वारा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब आपको याद कैसे रहेगा, आइए एक बार देख लेते हैं। बात करें अगर हम सिखों के पांचवें गुरु, सिखों के गुरु अर्जुन देव की, अर्जुन देव की हत्या किसके द्वारा की गई? जहांगीर के द्वारा। और बात करें अगर हम तेग बहादुर की, सिखों के गुरु तेग बहादुर जी की, तो इनकी हत्या किसके द्वारा की गई? औरंगजेब के द्वारा। आइए अब हम इसे ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है किसने किसकी हत्या की। अब आप यहाँ देखें, यहाँ क्या लिखा है? जहाँ, और यहाँ क्या है? देव। तो देव कहाँ रहते हैं? पूरे जहाँ में। तो गुरु अर्जुन देव की हत्या किसके द्वारा की गई? जहांगीर के द्वारा। और इसमें क्या बैठ जाएगा हिसाब हमारा? यहाँ देखिए तेग बहादुर में क्या आया? तेग, और इसी के साउंड जैसा यहाँ क्या आया है? जेब। तो इससे आपको याद हो जाएगा अर्जुन देव की हत्या किसके द्वारा की गई? जहांगीर के द्वारा। और तेग बहादुर की हत्या किसके द्वारा की गई? औरंगजेब के द्वारा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? यह आंसर आपको बताना है कि बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में किस वर्ष पराजित किया था? ऑप्शन ए 1527, ऑप्शन बी 1526, ऑप्शन सी 1525, ऑप्शन डी 1524। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1526। आइए अब हम देख लेते हैं पानीपत के युद्ध के बारे में। तो बात करें अगर हम पानीपत के युद्ध के बारे में, तो टोटल कितने पानीपत में युद्ध हुए हैं? तीन। किस किसके बीच हुए हैं? इसे याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है, बी हामा। ट्रिक क्या हो जाएगी? बी हामा। पहला युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, और पानीपत का तीसरा युद्ध। बात करें अगर हम पानीपत के प्रथम युद्ध की, तो किस किस के बीच में हुआ? बाबर और बी से बाबर, आई से इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरा युद्ध एच से हेमू, और ए से क्या हो जाएगा? अकबर। पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच में हुआ? हेमू और अकबर के बीच। और पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ? एम से मराठा और ए से अहमद शाह अब्दाली के बीच। ये आपको याद रखना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू और अकबर के बीच, और पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। बात करें अगर पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? 1526 में। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556 में। और पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ?
1761 में। ये पॉइंट आपको याद रखने। तो गाइज कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।